हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है क्या है, शुक्रवार नहीं बुधवार, आज है बुधवार। सुबह का टाइम है अभी और यहाँ पे देखिए ये हो रही है तैयारी। तो आज है हमारे घर में श्राद्ध और आज ना लास्ट श्राद्ध है, तो यहाँ पे बनेगा श्राद्ध का खाना इसमें। और अभी मैंने चढ़ाई भी है दाल, जैसे सुबह नाश्ता करते हैं ना, और जैसे जो खाना खुना बनाने वाले आते हैं उनके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दाल लगाई हुई है बाहर, साथ में आटा जो है मैंने गूंथ के रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आइटम ऐसी है जो हमने यहीं पे अंदर ही बना दी है। यहाँ पे देखिए हमने बना दी है खीर। तो खीर जो है वो हमारी बन चुकी है, ये ना अंदर ही बनी थी यहाँ पे अंदर किचन में। तो साथ में जो वो बनता है ना, रायता बनता है, हमारे दही भल्ले बनेंगे, उसके लिए जो राई है ना वो डाल के रखी हुई है। यहाँ पे देखिए ये राई जो है ना, ये भिगो दी है, ये ना रात को ही भिगो दी थी। और अभी इसमें डालेंगे हम दही और बस अभी यही काम हुआ है। अभी जो खाना बनाने वाले हैं ना वो आए नहीं हैं, तो किचन की जो हमने लिपाई करी तो थी, लेकिन फिर भी ना ये इसी तरह से दिखती है, ऐसी दिखती है ये कुछ खास। और अभी मैं ना पहले चपातियाँ लगा लेती हूँ क्योंकि नाश्ता करना है सभी ने, बच्चों को भी भूख लगी है। और नैना का हो रहा है ड्रामा कि आप मम्मा नहा धो के रेडी हो गए, मुझे भी कर दो। तो इसको भी करती हूँ तैयार, नहा धो के बना लेती हूँ पहले नाश्ता, उसके बाद मिलूँगी आपसे। तो अभी देखिए यहाँ पे ना श्राद्ध की तैयारी हो रही है, और ये ना कुछ हमारे रिश्तेदार हैं और कुछ मेरे जो पतिदेव हैं उनके दोस्त हैं, तो खाना बनाने के लिए आए हुए हैं और हमारे गांव के ही हैं कुछ। तो यहाँ पे ये खाना बनाएंगे। और ये देखिए ढिंडी जो है वो लगाई हुई है, ईंटों से ही बनाई हुई है। देखिए हमारे चरी बोलते हैं इसको, लेकिन चरी होती है ना जो मिट्टी में नीचे खोदते भी हैं, लेकिन ये खोदा हुआ नहीं है, ये सिर्फ ईंटें लगाई हुई है ना जैसे दोनों तरफ से, और फिर इसमें लगाई हुई है ढिंडी। तो बाकी यहाँ पे देखिए कटिंग कुटिंग हो रही है, कद्दू कट रहा है, कद्दू का खट्टा बनेगा। और साथ में यहाँ पे आलू काटे जा रहे हैं, अदरक काटी जा रही है, और सारी चीज़ें जो भी काटने वाली है ना, कटिंग तो यहाँ पे सारी हो रही है। और ये देखिए ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता था जो ये ढिंडी आपको देखी है। और यहाँ पे देखिए पतीले जो ये, इसको बोलते हैं हमारे टुक्स बोलते हैं, इनको लगाया हुआ है तलेवा, राख का तलेवा लगाया हुआ है ताकि ना काले नहीं हो। वैसे तो इसको उस पर लगाएंगे ना गैस चूल्हे पर, लेकिन फिर भी काले होने का रहता है कि काले ना हो जाए। और यहाँ पे देखिए मेरे पास दे दिया था काम करने के लिए, ये है लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, इसको मुझे करना था ग्राइंड। तो तड़का लगाने की तैयारी हो रही थी ना, तो ये मुझे कहा था कि आप इसको ग्राइंड करके दे दो, तो मैं ग्राइंड करने के लिए आई हुई हूँ अंदर कमरे में। यहाँ पे क्या बन रहा है भाई जी? यहाँ कड़ी बनेगी, यहाँ पे पकौड़े बन गए। और ये कड़ी के लिए क्या क्या डाला हुआ इसमें? डाला है कसूरी मेथी, दिख रही मेरे को, हाँ, लाल मिर्च, हल्दी और हल्दी, हाँ, और बेसन, लस्सी पड़ेगी। अच्छा नारा। और वहाँ पे है अदरक और लहसुन का पेस्ट है ना। अच्छा यहाँ पे है पकौड़े कड़ी के लिए। और यहाँ पे ये क्या बन रहा है भाई जी? ये बन रही है मसाला, सब चीज़ के लिए एक साथ सब पनीर के लिए। अच्छा ये पनीर के लिए मसाला तैयार हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे लगेगी तोई, यहाँ पे लगने वाली है पूड़े के लिए तवी। यहाँ पे गैस लगेगी। और यहाँ पे घोला गया है आटा जलेब पूड़े के लिए। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को ग्राइंड करने के बाद ना देखिए अब आई है टमाटर की बारी। तो अब ना मुझे टमाटर को भी पेस्ट बनाना है मिक्सी में, तो
अब ना काफी जल्दी हो गया, लेकिन पहले पता क्या, जब नहीं होती थी ना मिक्सी तो कितना टाइम लगता था ना टमाटर को पकाने में, गलाने में, और अब ना काफी जल्दी हो जाता है। तो इसके मैं थोड़े छोटे पीसेस कर रही हूँ ताकि ना जल्दी से हो जाए मिक्सी में, फिर ना ज्यादा मोटर पे प्रेशर भी नहीं डलता है। तो अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपकी मिक्सी ना सालों साल खराब नहीं होगी। तो गाइस दिन के 12 बज चुके हैं और सब्जी वगैरह है ना जो उसमें अभी तड़का लगेगा, और उसके लिए ये देखिए यहाँ पे टमाटर की जो ग्रेवी थी ना वो यहाँ पे देखिए मैंने बना ली है, और इसको मैं जा रही हूँ छोड़ने अब जो कारीगर है उनके पास। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मामा जी ने लगा दी तवी है। आ गया सोनू से। अभी चलियो ना रुक जा भी। अच्छा दे दी थी छा, छा दे दी थी। जल्दी पिसो। यहाँ पे बन रहा है कद्दू का खट्टा। बूढ़ी इसमें ही डाल दिया वा, खट्टा ही पक जाएगा इसमें। राई वाला कद्दू नहीं बनाते हैं, राई वाला बहुत टेस्टी लगता। जैसी ही लगेगी वो, तब ये भी ऐसी लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पे है दाल, काले उड़द की दाल। यहाँ पे है कड़ी, ये है मटर पनीर, और यहाँ पे है खीर, और बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। पार ले गए हैं हम पूजा के स्थान पे। ये जो कुशा के बनाए हुए। अच्छा तीन पीढ़ी है, दादा तीन दादा। अच्छा ये बताएंगे पंडित जी, तीन पीढ़ी के पितरों के लिए यहाँ पे श्राद्ध दिया जा रहा है। दादा परदादा चक्रदादा। अच्छा तो इस तरह से होता है। देखिए यहाँ पे तर्पण किया जाएगा अभी पितरों के लिए। आज लास्ट श्राद्ध है हमारे, 4:30 बजे तक हमारा श्राद्ध है। अच्छा 4:30 बजे तक ही है ना, उससे पहले हो जानी चाहिए मतलब है ना। उससे पहले। अच्छा अभी तो टाइम है तो बहुत है। 4:30 बजे के बाद नवरात्रि बैठ जाए। अच्छा यानी कि आज नवरात्रा भी है फिर। नवरात्रा बस तो कल ही है वैसे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये केले का पत्ता है, इसके ऊपर लगाए गए हैं। देखिए ये तीन पीढ़ियों के लिए, जो तीन पीढ़ियों के हमारे पितर हैं उन सभी को श्राद्ध मिले, जो हम तर्पण देंगे उनको, जो भी ये चढ़ाया जाएगा भोग। यहाँ पे देखिए पूड़े हैं, और जो भी हमने खाना बनाया हुआ है यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको लगाई जाएंगी। तो आई होप कि गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं ना आपके साथ श्राद्ध का पूरा जो पूजन है वो शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।